सो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने सेल्स की जॉब क्यों चूज़ की। एंड जबकि मैंने बीटेक किया हुआ था कंप्यूटर साइंस में, मैं आईटी सेक्टर में बड़ी आसानी से जा सकता था, बट लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं आईटी सेक्टर में तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं था। मैंने प्रेशर में आके भी मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने आईटी सेक्टर में नोएडा में भी काम किया, मैंने एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैंने वहाँ पर काम किया है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस फील्ड में, उस डोमेन में, तो मैंने वो डोमेन ही चेंज किया, अपना करियर स्विच किया। एंड मेरा जो पर्सनली इंटरेस्ट था वो बैंकिंग सेक्टर में था। बैंकिंग सेक्टर अब ये था कि मैंने जब आईटी कंपनी छोड़ी वहाँ की, तो तुरंत तो मैं बैंकिंग सेक्टर में जा नहीं सकता था, क्योंकि रीज़न ये था कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद बैंक में जाना इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था, और प्राइवेटली किसी भी बैंक में हायर हो जाना वो भी मेरे लिए ईजी नहीं था। बट करेंटली तो मैं बैंक में ही हूँ, बैंकिंग सेक्टर में ही हूँ, बट प्रमोशंस भी चाहिए मुझे उस फील्ड में। इसके बाद मैं बात करूँ मैंने सेल्स क्यों ज्वाइन की, तो बीटेक के बाद आईटी कंपनी छोड़ने के बाद बैंक में जाना एप्रॉक्स इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने सेल्स ज्वाइन कर ली, मजबूरी भी कह सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सेल्स में जितना पैसा है उतना आई थिंक आईटी सेक्टर में भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आईटी सेक्टर में ये आपको एक पर्टिकुलर पैकेज मिलेगा, लाइक आप टीसीएस में भी चले जाएंगे या इन्फोसिस, स्टार्टिंग में आप किसी भी एमएनसी में क्यों ना जाएं, आप कितनी भी बड़ी कंपनी में क्यों ना जाएं, आपको स्टार्टिंग में पैकेज 4 to 5 LPA से ऊपर का बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जिनको मिलता है, या यूँ कहें कि बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं जो लाइक 4 to 5 LPA के ऊपर निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा टास्क भी होता है उनके लिए, और अगर ऐसा है तो सही में उन लोगों में फिर कुछ तो टैलेंट है। और ऐसा नहीं है कि निकलते नहीं, मेरे भी पर्टिकुलर कॉलेज के बहुत ऐसे बंदे हैं जिनका पैकेज 7 LPA गया है, बट इससे ऊपर नहीं गया, कभी नहीं गया। तो मेरे कॉलेज का तो पर्सनली ये रिव्यू रहा कि कभी नहीं गया 7 LPA से ऊपर। तो मेरा जो सेल्स का बेसिकली ये था कि मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियली कंडीशन मेरी कुछ अच्छी नहीं थी उस समय, एंड मुझे तो उस समय पैसे ही चाहिए थे। तो मेरा जो पर्सनल मोटिव था, मैंने बायजूस में भी काम किया हुआ है एज अ BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, तो वहाँ पे बेसिकली क्या था कि टोटल वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 7 LPA का पैकेज था वहाँ पे सेल्स में, आईटी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स में। तो वहाँ पे 7 LPA का पैकेज था, 7 LPA के पैकेज में 5 LPA तो आपका था, बट 2 LPA वहाँ पे वैरी करता था, वो इंसेंटिव्स था। इंसेंटिव में ये था कि आप जितनी ज़्यादा सेल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज डिसाइडेड था एंड उतना आपको मिल जाता। बट सेल्स में क्या है ना, मैंने एक्चुअली सेल्स भी छोड़ दी थी, उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा मैंने सेल्स क्यों छोड़ी, बट हाँ रीज़न बता देता हूँ, एक छोटा सा रीज़न कि सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको बहुत इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्टफुल जॉब होगी, तो ऐसा नहीं है बॉस। मैं आपको बता दूँ, अगर ईगो है तो आप सेल्स नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने कर पाया, मैंने सेल्स छोड़ दी थी। तो अगर ईगो है तो आप सेल्स नहीं कर सकते, आप आईटी सेक्टर में जाइए, बैंकिंग सेक्टर में जाइए, या फिर बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप आफ्टर 12th आप करियर आजमा सकते हो, एंड इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि 12th के बाद किस डोमेन में जाना चाहिए। तो सेल्स की जहाँ तक बात है, तो मेरा तो यही रीज़न था कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। आफ्टर 12th मैं आईटी सेक्टर में जाना नहीं चाहता था, हालांकि सॉरी आफ्टर बीटेक मैं आईटी सेक्टर में जाना नहीं चाहता था, हालांकि मैं गया भी आईटी सेक्टर में, मैंने कुछ टाइम वहाँ पे वर्क भी किया, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बैंकिंग सेक्टर में भी मैं नहीं जा पाया बाद में, अभी तो मैं करंटली बैंकिंग सेक्टर में ही हूँ, बट बीच में मैंने सेल्स ज्वाइन की थी। रीज़न यही था कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, एंड सेल्स में अगर आप में कैपेबिलिटी है सेल्स की, अगर आप सेल कर लेते हो तो आपसे ज़्यादा पैसा भी किसी के पास नहीं हो सकता। बट सेल्स की बहुत सारी लाइक अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं सेल्स की, कि वहाँ के मैनेजर्स का बिहेवियर कैसा है आपके प्रति, एंड आपको वो उस तरीके से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग आपकी अच्छी हुई है सेल्स की या नहीं हुई है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि विदाउट ट्रेनिंग वो आपको डायरेक्टली हायर कर लेते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पहले तो आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए उन्होंने। मैं किस्सा शेयर करना चाहता हूँ बायजूस का। वहाँ के जो मैनेजर थे वो बहुत ही ब्रस्त थे, मैं क्या ही बोलूँ उनको, बहुत ही बेकार मैनेजर थे वो। मैं नहीं कह रहा बायजूस कंपनी बेकार है, वो तो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, बट मेरे केस में जो मैनेजर था वो बहुत ही बेकार था, एंड किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करता था, किसी भी तरीके का सपोर्टिव पर्सन वो था ही नहीं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। हम लोग कोई हेल्प भी मांगे तब भी वो नहीं करता था कि आप जानो आपका काम जाने, मैंने ट्रेनिंग दे दी अब आप जानो, तो ऐसा नहीं है। और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, वेदांतु है, या फिर और भी बहुत ज़्यादा सेल्स की कंपनीज है जहाँ पर आप अपना करियर आजमा सकते हो, बट सेल्स अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए अपने।